एक्सक्यूज मी, आप अरुण का दोस्त? अरुण पागलखाने से बाहर आ गया है। क्या वो ठीक हो गया है? बड़ा ख्याल है उसका। क्या जानते हैं आप मेरे और अरुण के बारे में? हाँ, यही कि आपने उसे पागल कर दिया। झूठ, बेवफाई उसने की थी। और आपके मामाओं ने? जानना चाहोगी कि आपके मामाओं ने अरुण के साथ क्या किया? क्या हक है आपको मेरे मामाओं पर इल्जाम लगाने का? इल्जाम लगाने का ही नहीं, गिरफ्तार करने का हक भी है मुझे। क्या जुर्म किया मेरे मामाओं ने? हाँ, उनका जुर्म क्या जानना चाहेगी आप? चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ, आइए। ये सारी फाइल झूठ बोलती है, ये सारे लोग झूठ बोलते हैं। मैं नहीं जाती, ये सब क्या है? ये कंप्लेंट्स है मामा ठाकुर के खिलाफ, स्मगलिंग की, काले धंधे की, चोरी की, खून की। ये वो केसेस है जो शुरू तो हुए मगर खत्म नहीं हुए, क्योंकि आपके मामा ठाकुर ने या तो उन लोगों को अगवा करवा दिया या मार दिया, या तो फिर वो लोग मामा ठाकुर के डर से शहर छोड़ के भाग गए। नहीं, बहुत ऊंची और पक्की है आपके महल की दीवारें सपना जी, जहां सच की आवाज आप तक नहीं पहुंचती। और जानना चाहेंगे आपके अरुण पर, आपके चाहते अरुण पर क्या क्या जुल्म हुए? नहीं, आपको सुनना होगा, सुनना होगा आपको। राव सिंह, बताओ इन्हें अरुण पर क्या क्या जुल्म हुए? बहुत मारा था हमारे साहब ने अरुण को डंडों से, फिर उनकी मां को पकड़ लिया गया, बाल खींचे उनके आपके मामाओं ने, बहुत जलील किया उनकी मां को। नहीं, तब जाकर अरुण ने माना कि कोर्ट में जाकर खून का इल्जाम वो कबूल कर लेगा। अरे वो किया उन्होंने अरुण के साथ कि इंसान तो इंसान, जानवर भी टूट जाता, पागल हो जाता। नहीं, चुप हो जाइए। अब आप ही बताइए, कौन है दोषी, कौन है बेवफा, वो या आप? नहीं, नहीं।